हे रीतिरिवाज नाही आहेत. वारंवार यायचं संभाजीनगरला आणि औरंगजेबाच्या कबरीपुढे आम्हाला सगळ्यांना खिजवण्यासाठी, महाराष्ट्राला खिजवण्यासाठी गुडघे टेकायचे. हे जे आहे ह्याच्यातून जर महाराष्ट्रामध्ये अशांतता निर्माण करायची असं ह्या ओबीसी बंधूंचं काहीतरी एक राजकारण दिसत आहे. पण मी इतकंच सांगेन, त्या औरंगजेबाची कबर महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये मराठ्यांनी बांधलेली, त्याची त्याला कबरीमध्ये आम्ही टाकले. 25 वर्ष तो लढत राहिला, महाराष्ट्रावर चाल करणारा हा मोगल राजा. म्हणजे तुम्ही आज कबरीवरती येऊन नमाज वगैरे पडताय, कधीतरी तुम्हालाही त्याच कबरीत जावं लागेल. ये जो बात है, औरंगजेब कोई महान सूफी संत नहीं था, कोई कुछ भी कहे, वो एक आक्रमक था. महाराष्ट्र के ऊपर उसने आक्रमण किया, महाराष्ट्र की मंदिर प्रार्थना घर सबको उध्वस्त किया. छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में 25 साल तक मराठा योद्धाओं ने उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई की है, ये इतिहास बताएगा आपको. लेकिन आप महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र के ऊपर बैठेंगे और नमाज पढ़ोगे या और कुछ आपकी रस्में करेंगे, तो ये महाराष्ट्र को चैलेंज देने की बात है. ठीक है, हमने चैलेंज स्वीकार लिया है, समझ लो. औरंगजेब भी इस मिट्टी में हमने गाड़ दिया था, और जो औरंगजेब के भक्त हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, उनका भी यही हाल होगा महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र की मिट्टी मर्दों की, शुरू की, और शिवाजी महाराज की मिट्टी. सर, प्रधानमंत्री कहते हैं, सर एक और सवाल, प्रधानमंत्री कहते हैं वो दूसरे धातु के बने हैं, हालांकि कल उन्होंने कहा ये देश ही दूसरे धातु का बना है, इसलिए सब लोग सब सहन कर रहे हैं.